अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अच्छे ही होगे, अल्लाह करे अच्छे ही रहो, इन्जॉय करो और साथ साथ में नमाज कुरान भी पढ़ा करो। पढ़ते तो होगे बट फिर भी। तो मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि आप सब देख रहे हो कि मैं नाश्ते की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं फटाफट रेडी हो गई, मतलब फ्रेश हो गई। फ्रेश होकर मुझे फटाफट से नाश्ता बनाना था क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था शॉप पे। तो ये पोहा मैं बना रही हूँ बट मुझे नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों नहीं पसंद है, बस नहीं पसंद है। मैं खाती तो हूँ बट रेयरली। मुझे इडली डोसा ये सब नाश्ते में बहुत पसंद है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो, पोहा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। मैंने इनको सर्व किया, इनको भी पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। मैंने टेस्ट किया, अच्छा बना था। जब फिर फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट के जो बर्तन थे वगैरह सब मैंने वॉश कर लिए, ये चले गए शॉप पे। उसके बाद मुझे घर की पूरी साफ़ सफाई करनी होती है, फिर लंच तैयार करना होता है। तो इसीलिए, क्योंकि ये आते हैं खाना खाने के लिए, तो फिर फटाफट से मैंने घर पूरा साफ़ कर लिया। आप सब देख रहे होंगे कि मेरे घर में सामान वगैरह नहीं है और सब मैसी है। क्यों? क्योंकि अभी तक मेरी शिफ्टिंग हुई नहीं है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि शिफ्टिंग होगी तो इंशाल्लाह मैं होम टूर ज़रूर दूंगी। तो मैं फटाफट से झाड़ू पोछा घर वाल सब साफ करने के बाद मैं फटाफट नहा ली। नहाने के बाद मैंने हेयर सीरम लगाया क्योंकि हेयर बहुत ड्राई हो रहे हैं और बस इसीलिए, और बहुत हेयर फॉल वगैरह भी हो रहा है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा हेयर सीरम लगा लिया आज। कि मैंने फटाफट से कॉम कर लिया तो बाल थोड़े अच्छे लग रहे थे। फिर उसके बाद मैं स्किन भी बहुत ड्राई लग रही थी तो इसलिए मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अच्छा लगा मुझे। मॉइस्चराइज़र लगा के अप्लाई करने के बाद स्किन एकदम मेरी सॉफ्ट हो गई। तो बस फिर मैं रेडी हो गई और मैं चली लंच की तैयारी करने। फटाफट से मैंने लंच तैयार किया। आज मैंने अक्खे मसूर की दाल बनाई है सूखी, जो मुझे और इनको बहुत पसंद है। हम तो शौक से खाते हैं। मैं हमेशा दाल अलग तरीके से बनाती हूँ, पहले सीटी लगाती हूँ फिर मैं तड़का देती हूँ, मगर आज मैंने पहले तड़का दिया फिर मैंने दाल ऊपर से डाल के पानी डाल के लगा दिया कुकर, मगर बहुत अच्छी बनी थी। फिर जल्दी जल्दी से मैं नीचे जाके सारा सामान लेके आई क्योंकि हमारे बिल्डिंग के नीचे गाड़ी आती है, बाजी वाली, सब कुछ मतलब आता है बिल्डिंग के नीचे, पर जाके लाना पड़ता है। तो मैं जाके लेकर आ गई। फिर मुझे ये मिर्ची बिक गई जो मुझे बहुत पसंद है दाल चावल के साथ, तो मैं तो ऐसे ही फ्राई करती हूँ। तो मैंने फटाफट से फ्राई की और मैं तो बैठ गई खाना खाने। ये आए नहीं, इनको बाहर जाना पड़ा, कुछ काम था इनको, तो ये आए नहीं खाना खाने के लिए। तो मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैं बैठ नमाज वगैरह पढ़कर मैं चली खाना खाने। फिर मैंने जल्दी जल्दी से खाना ले लिया और मैंने ये मिर्ची भी ले ली दाल चावल के साथ खाने के लिए, जो मैंने अपने शौक से बनाई थी क्योंकि मुझे खाना था। तो खाना तो बहुत अच्छा बना था, दाल अच्छी बनी थी, आप लोग भी ट्राई करना। मैं जब नीचे गई थी तो मैंने ये भी लेके आई पेप्सी, जो मुझे बहुत पसंद है, हर बच्चों को पसंद होती मगर मुझे तो पसंद ही, मैं बड़ी हो गई फिर भी। फिर मैंने इंजॉय की अपनी पेप्सी, वीडियोज़ देखा, तारक मेहता देखा। फिर उसके बाद एक घंटे बाद खाना खाने के मैं चली सोने। सोकर जब मैं उठी तो ये पार्सल आया था, मैंने पार्सल रिसीव कर लिया जो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। फिर हो गई शाम, सब कुछ हो गया, खाना पीना, ये तो जब आए नहीं तो इनको फिर वही खाना खाना पड़ा। सब होने के बाद मैं चली सोने। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।